भूमाफियाओं के हौसले आसमान पर, भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन मेहरबान। इटावा जनपद के थाना क्षेत्र भरतना के अंतर्गत ग्राम नंगला गोपी में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते इस गांव के भूमाफियाओं ने एक गरीब बा आशय मजबूर बेसारा बेबस लाचार गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस पूरी घटना की जानकारी जब पीड़ित ने एसडीएम भरतना नम्रता सिंह से की, इसके बाद महज खाना पूर्ति करते हुए जिला प्रशासन महज कागजों पर कार्रवाई करता है। एसडीएम के आदेशों का नहीं हुआ पालन, उल्टा 3 दिन तक पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, जबकि कानूनी कागज और आदेशों के होने के बाद भी पीड़ित मांग रहा अपनी जमीन के लिए भीख। वहीं अब देखने वाली बात है कि इन दबंग भूमाफियाओं पर इटावा का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है। मैं आपका क्या समस्या है आपकी? हमारे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा। किन्होंने? जय बहादुर, शैलेंद्र सिंह, राजू सिंह, नरेंद्र सिंह, राजवीर। इसकी शिकायत आपने किस किस से की? जी डीएम से की, थाने भी गए, नेपाल से भी, प्रधान से भी, मेरी कोई नहीं सुन रहा। थाने में आपसे क्या कहा गया? थाने में कहा गया है कि यहाँ आएंगे अगर लोग बाग, यहाँ से बंद कर दिया जाएगा और तुम लोग इसके पीछे मत पड़ो, ये आबादी जमीन है बना रही सर, हमारा कब्जा है, हम क्या करें बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नरेंद्र सिंह। क्या समस्या है नरेंद्र? समस्या हमारी ये है कि इनके निर्माण कार्य को रोका जाए साहब, जो ले हमारी जमीन नहीं निकली आती है सर, तो ले ये निर्माण कार्य को रोका जाए साहब। अच्छा, आप कहाँ कहाँ गए अपनी जमीन? हम अपनी जमीन के लिए साहब एसडीएम साहब के पास गए सर। तो कहाँ के एसडीएम? भरतना एसडीएम के पास। थाना कौन सा है? थाना भरतना है हमारा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है, हम 4 दिन से चक्कर लगा रहे थानी अदालत के साथ, कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। जहाँ जाते वो लोग कहते हैं आओगे बार बार तो हम आपको जेल कर देंगे, बंद कर देंगे। हाँ, यहाँ पर एक दो बार, दो तीन बार पुलिस भी आई है, वो कल हम लोगों को धमकी देगी सर, बोली कि बार बार आओगे, बार बार आओगे तो आप लोगों को हम बंद कर देंगे, आप लोग सभी लोग बनाओ। हाँ, ये लोग धमकी देने के बाद में बोले, हाँ ये लोग सभी चले गए साहब, कह के लोगों से कह के बना के बोली आप सभी लोग बनाइए और बनाने नहीं, ये जमीन के कागज हैं आपके पास? हाँ जी सर, कागज है हमारे पास, तो सब कुछ है हमारे। जबरन कब्जा कर रहे? हाँ जी सर, जबरन कब्जा कर रहे, ये कह रहे थे कि ज्यादा करोगे तो मार देंगे जान से तुम लोगों को। अच्छा, हाँ सर। अब क्या चाहते हो? अब ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जमीन हमको दी जाए सर। हाँ ठीक है।